मॉर्निंग चिल्ड्रेन, सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लें, और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है, बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो जिन बच्चों के पास बुक है वो बच्चे बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 94, और ये चीज़ हमें बुक में ही करना है, तो बुक वाले ही बच्चे बुक ओपन कर सकते हैं, ओके। और जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ देखें क्लास को और क्या कर सकते हैं, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, तो बुक ओपन कर लेंगे पेज नंबर 94। लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले जो बातें मैं रोज़ आप लोगों को रिपीट करती हूँ उन बातों को फिर से आज बोल दूँ, कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो बच्चे दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतना देर का वीडियो आपको देखना है, और वीडियो के दौरान आपकी टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो सारा बात आपको फॉलो करना है, क्लियर। और आप सभी बच्चे जानते हो अब तो आपको हैबिट भी हो गई है कि आपको हर क्लास में दो बार अटेंडेंस बनानी होती है ना, फर्स्ट स्टार्टिंग में और सेकंड एंडिंग में, है ना, यानी कि क्लास जब स्टार्ट होता है उसके बाद और जब क्लास एंड होता है समाप्त होता है उससे पहले, है ना, आपको हर क्लास में दो बार अटेंडेंस बनानी होती है। तो फर्स्ट टाइम आपका बन ही गया, अभी आपने बना लिया, सेकेंड आपका बनाइएगा, तो जब मैं गुड हैबिट दूँगी उस समय आप अटेंडेंस बना लीजिएगा। तो ये तो जनरल बातें हुई, और जिन बच्चों के पास अपनी बुक्स नहीं है, देखिए अभी बुक नहीं रहने पे आप ये क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा, इसीलिए जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे बुक ओपन बुक परचेस करवा लें, और जिन बच्चों के पास बुक के अलावा जैसे नोटबुक नहीं है, शार्पनर नहीं है, पेंसिल नहीं है, इरेजर नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को भी परचेस करवा लें, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने के लिए हमें पढ़ाई लिखाई के साधन होने पहले ही ज़रूरी, तो हमारे पास चीज़ें रहेगी तो ही तो हम लर्निंग कर पाएंगे, सीख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, इसीलिए हमारे पास इन सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। ये तो जनरल बातें हुई जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं रोज़ हर क्लास में शुरुआत में ही बता देती हूँ। आप जो बच्चे इन चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरी हर बातों को फॉलो करें, अपनाएं, पूरा करने की कोशिश करें, और दृढ़ लगाकर मेहनत से अपनी पढ़ाई को कीजिए, है ना। तो चलिए हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो पेज नंबर 94 में क्या है, हॉर्स क्वेश्चन है। हॉर्स क्वेश्चन में आप बुक देखिए, तो नोटबुक वाले जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे भी यहाँ देख लें कि क्या है ये क्वेश्चन, आप बुक में नहीं बना सकते, क्या बोल रहा है ये। तो यहाँ पे है हॉर्स क्वेश्चन में, नेम द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून, मून के अलग अलग फेजेस यानी कि अलग अलग अवस्था का अलग अलग रूप का हमें नेम लिखना है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर ई यानी कि लॉन्ग आंसर बनाया था जो 3-4 लाइन थे, तो वो क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन था, क्या क्या था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सोलर सिस्टम, और उसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन था नेम द 8 प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम, यानी कि आप सोलर से सौर मंडल से क्या समझते हैं, और सौर मंडल के आठों ग्रह का नाम लिखना था, ये क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन था व्हाट इज अ स्टार, व्हाई डज अ स्टार सीम सो स्मॉल, है ना, तारे क्या होते हैं और तारे हमें क्यों छोटे दिखाई पड़ते हैं, ये क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन था व्हाट आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून डिस्क्राइब, मून के अलग अलग आकार क्या क्या हैं उनको वर्णन कीजिए यानी कि विस्तार में बताइए। तो हमने ये तीनों प्रश्न प्रीवियस क्लास में किया था, और मैंने आपको क्या बोला था, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ई को आपको याद करना था। तो जिन बच्चों को याद हो गई है वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, और जिन बच्चों को नहीं याद हो पाई है कोई बात नहीं है, वो बच्चे आज फिर से इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे, है ना, इस प्रश्न को याद कर लेंगे। हालांकि मैंने दो उससे पहले लिखाया था, है ना, और उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखाया था नेक्स्ट क्लास में, तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा इसे। तो ये हॉर्स क्वेश्चन है, तो ये चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो बुक वाले बच्चे बुक में बनाएंगे, ओके, बुक में ही मैच करेंगे। तो उसमें क्या बोला था, नेम द डिफरेंट फेजेस ऑफ मून, मून के अलग अलग रूप का हमें नाम लिखना है। तो 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, ये ऐसा चांद, उसके बाद ऐसा चांद, ऐसा चांद, ऐसा चांद, तो आप जानते ही हैं जो 1 नंबर पिक्चर में जो है चांद बना हुआ है उस चांद को क्या बोलते हैं, चलिए नोटबुक वाले बच्चे चांद का पिक्चर मैं बना लूंगी, तो आप सेम उसी तरीके से नोट कर लीजिएगा, तो चांद अच्छे से बनाइएगा। तो नोटबुक वाले बच्चे जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक ओपन कर लें, हॉट क्वेश्चन बना लें, ओके।
और जब आपके पास बुक आएगा तो आप मैच करके लिख लीजिएगा। तो आप पहले नोटबुक ओपन कीजिए और ये आपको देखना है कि आपने क्वेश्चन नंबर ई जो नोटबुक में लिखा है ओके, उस क्वेश्चन नंबर ई के बाद उसी पेज में लिखे हुए पेज में 3 से ज़्यादा लाइन है तो आप बच्चे उस पेज का इस्तेमाल कीजिए, और जिनके नोटबुक में लिखे हुए पेज में 3 या उससे कम लाइन है वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो जो भी चीज़ लिखा है उसके नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींचेंगे, उसके बाद में एक लाइन में डेट, चैप्टर रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग और तीसरे लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। और न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो डेट, चैप्टर रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर, फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकेंड लाइन से लिखना शुरू कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। बोलते हैं तो ये लुक लाइक का वो है ना, जब न्यू मून आता है तो न्यू मून आने के बाद जो चांद हमें दिखाई पड़ता है वो दिखने में एकदम वो जैसा होता है, ऐसा लगता है कि वो झुका हुआ है ना, तो इस चांद को क्या बोलते हैं, तो 1 नंबर में क्या हो जाएगा, क्रिसेंट, यानी कि CRESCENT क्रिसेंट मून, क्रिसेंट मून मींस अर्ध चंद्र। और ये सेकंड वाले मून को जो एकदम आधा होता है उस चांद को क्या बोलते हैं, तो हमारा फर्स्ट में भी हो गया, सेकंड में भी होगा। इस चांद को 1 नंबर जो पिक्चर है उसको क्रिसेंट मून कहते हैं, सेकंड नंबर वाले को हाफ मून कहते हैं। अब वाइप करेंगे, थर्ड और फोर्थ चार ही पिक्चर है उसे भी बना लेते हैं।
थर्ड में ये है, ध्यान से नोटबुक वाले बच्चे बनाएंगे। देख रहे हैं आप, तो इस चांद को क्या बोलते हैं, ये चांद बिल्कुल ऐसे रहता है, यहाँ से क्या होता है उभरता रहता है, तो इस चांद को क्या बोलते हैं, तो इस चांद को गिब्बस मून यानी कि उभरा हुआ चांद हम क्या लिख देंगे, GIBBOUSMOON, गिब्बस मून। और ये जो चांद, जब चांद पूरी तरीके से गोल आकार में हो जाता है उस चांद को क्या बोलते हैं, तो उस चांद को फुल मून, ये गिब्बस मून यानी कि अर्धचंद्र। ओके, ये हो गया तो हमारा हॉर्स क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसको क्रिसेंट मून, इसको हाफ मून, इसको गिब्बस मून एंड इसको फुल मून बोलते हैं। अब है क्रिएटिव स्किल्स। क्रिएटिव स्किल्स में क्या है, तो बुक वाले बच्चे ही बनाएंगे, वो क्या है, तो बुक वाले बच्चे ध्यान दें, बोला कलर द 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम एज पर द कलर कोड गिवन बिलो। बोला है इस सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स को कलर करना है, कैसे कलर करना है, तो जिस अकॉर्डिंग दिया हुआ है उस अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए सन है, ये जो निशान है ये सन का रे है, ओके, सूरज की किरणें हैं। उसके बाद है क्या, 8 प्लैनेट दिए हुए हैं, कौन कौन, तो सन के बाद क्या होता है, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, थर्ड नंबर पे अर्थ होता है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये 8 प्लैनेट का नेम दिया, पिक्चर बना हुआ है। और आपको क्या बोला है, तो मर्क्यूरी को यहाँ पे ग्रीन कलर से करना है, तो फर्स्ट नंबर में आप ग्रीन, सन को तो आप ऑरेंज से ही कीजिएगा, इसकी रे ऑरेंज ही होती है, ओके, तो आप ऑरेंज कर दीजिएगा। मर्क्यूरी को ग्रीन से कीजिएगा, तो फर्स्ट वाले ग्रह को ग्रीन कलर से कर दीजिएगा। और आप पेंसिल कलर या कैरियंस मोम कलर का इस्तेमाल कीजिएगा, ओके। कोई बच्चे स्केच पेन से यूज़ नहीं करेंगे, स्केच पेन का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, समझ में आया, स्केच कलर से नहीं करना है, किस कलर से करना है, पेंसिल कलर नहीं तो मोम कलर, ओके, नहीं है तो परचेस करवाइए फिर कलर कीजिए, स्केच का इस्तेमाल नहीं करना है बुक में। मर्क्यूरी ग्रीन से, वेनस पिंक कलर से, अर्थ ब्लू से क्योंकि ये ब्लू प्लैनेट ही कहलाता है, मार्स ऑरेंज कलर से, जुपिटर येलो कलर से, सैटर्न रेड कलर से, यूरेनस ब्राउन कलर से एंड नेपच्यून पर्पल कलर से। आप समझते हैं ना, ग्रीन मीन्स हरा, तो मर्क्यूरी को हरा कलर से कर दीजिएगा, वेनस को पिंक यानी कि गुलाबी रंग से कर दीजिएगा, अर्थ को ब्लू यानी कि नीला रंग से कर दीजिएगा, मार्स को ऑरेंज यानी कि नारंगी कलर से कर दीजिएगा, जुपिटर को येलो यानी कि पीला रंग से कर दीजिएगा, सैटर्न को रेड यानी कि लाल रंग से कर दीजिएगा, यूरेनस को ब्राउन यानी कि भूरे रंग से कीजिएगा और नेपच्यून को पर्पल यानी कि बैंगनी कलर से कलर कर दीजिएगा। तो इन सारी चीज़ों से कलर कर दीजिएगा, तो आपको क्या करना है, सिर्फ कलर करना है, वो भी कलर दिया हुआ है, बस आपको उस कलर पेंसिल या कैरियंस का इस्तेमाल करके उसे कलर करना है, समझ में आया। तो बुक वाले बच्चे ही बनाएंगे। अब बुक वाले बच्चे लाइफ स्किल्स उसे भी देख लीजिए, लाइफ स्किल्स में क्या बोल रहा है, तो राइट द आंसर टू दिस रिडल। इस रिडल का यानी कि रिडल RIDDLE, रिडल में पहेली होती है ना, बुझौल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इस पहेली का आंसर देना है और क्या करना है, राइट द आंसर यानी कि आंसर यहाँ पे खाली जगह में लिखना है, जो ये रिडल दिया हुआ है उसका, ये पहेली जो दिया हुआ उसका, एंड चूज द राइट पाथ टू रीच द सेलेस्टियल बॉडी दिस रिडल इज रिफरिंग टू। और इस रिडल में जो बोल रहा है, जिसका नाम है, इस रिडल में जो नाम आप लिखेंगे, उस नाम का जो सेलेस्टियल बॉडी यहाँ पे बना हुआ है, उस बॉडी तक हमें उसे पहुँचाना है, तो इस राहुल को हमें उस जगह तक पहुँचाना है। तो आपको क्या करना है, चार पिक्चर दिया, चारों पढ़ना है, आप रिडल पढ़िए, रिडल पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ का ये पहेली बोल रहा है। तो हम रिडल पढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो राहुल बोला है, लास्ट वीक इट वॉज बिगर, ना अगले सप्ताह, जो ये पिछला सप्ताह गया है, पिछले सप्ताह तुम बड़े थे एंड राउंड एज एन ओ, और दिखने में तुम पूरा ओ की तरह गोल थे, नाउ इट्स बिकम स्मॉलर, अब तुम छोटे हो गए हो एंड शेप लाइक अ बो, और तुम्हारा जो शेप हो गया, आकार हो गया, वो दिखने में एकदम बो जैसा हो गया, झुकाव जैसा।
तो आप समझ गए ना कि जो अगले सप्ताह छोटा हो जाए, फिर बड़ा था वो ओ जैसा था, उसके बाद छोटा हो गया, अब वो जैसा हो गया, तो कौन सा ऐसा सेलेस्टियल बॉडी यानी कि खगोलीय पिंड अपना आकार बदलता है, कौन सी चीज़ अंतरिक्ष में? तो यस, मून यानी कि चांद, चांद अपना आकार बदलता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मून। तो आप सभी बच्चे मून किस पर लिखिए, MOON मून लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, राहुल को मून तक पहुँचाना है। तो राहुल को मून तक पहुँचाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो राहुल की मदद करनी होगी। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, तो हमें मून तक पहुँचाना है। यहाँ पे देखिए प्लैनेट भी दिया हुआ है, सन भी है, अर्थ भी है, अर्थ भी प्लैनेट ही दिया हुआ है। ओके, और ये क्या दिया हुआ है, तो ये आपको सैटर्न भी दिया हुआ है। सैटर्न है, सन है, मून है और ये अर्थ है। तो हमें इसे कहाँ तक पहुँचाना है, किसके पास पहुँचाना है? हमें मून के पास, क्योंकि पहली मून के बारे में बोल रही थी। तो हम यहाँ पे ऐसे मून लिख देंगे, MOON मून। अब हमें राहुल को मून तक पहुँचाएंगे। मैं इसलिए करके बता रही हूँ कि आप इसी तरीके से है ना लाइन को ड्रॉ करके आप राहुल को मून तक पहुँचा सकते हैं। तो देखिए राहुल से चार रास्ता जाता है, 1, 2, 3, 4। राहुल जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे से चार रास्ता जाता है, चारों रास्ता अलग अलग जगह पे जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि देखिए कौन सा रास्ता जाता है। तो यस, मुझे पता है इसलिए मैं डायरेक्ट बना रही हूँ। तो ये नीचे वाले रास्ते पे आपको लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से राहुल जाएगा सीधा सीधा सीधा, एकदम स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, फिर हल्का सा लेफ्ट मुड़ रहा है, फिर राहुल सीधा जा रहा है, यहाँ से राहुल लेफ्ट मुड़ा, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, उसके राहुल इस तरह से ना लेफ्ट मुड़ा, फिर ऊपर सीधा चला गया, तो मून तक पहुंच गया ना। आप ध्यान दीजिए, राहुल इस नीचे वाले रास्ते से जाते 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 यहाँ करके मून तक पहुंच गया। हमें राहुल को मून तक पहुंचाना था, क्योंकि रिडल मून के बारे में पूछ रहा था। ओके, तो हम राहुल को मून तक पहुंचा दिए। अब हमें क्या करना है, तो ये कम्प्लीट हमारा ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से कम्प्लीट। ओके, तो सभी बच्चे अच्छे से इसे बनाएंगे, याद करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन नोटबुक में दे दे रही हूँ, ताकि बुक वाले बच्चे भी नोटबुक में बना लें और नोटबुक वाले बच्चे भी उसे बनाइएगा। बाद में नहीं बनेगा तो फिर तो मैं हूँ ना, नेक्स्ट क्लास में उसको आंसर बोर्ड पे करा दूंगी। ओके, तो नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक को ओपन किए हैं, चलिए आप लिखिएगा सेम जैसे मैं नोट्स कर दिख रही हूँ उसी तरीके से नोटबुक। Thank you.
मेरा यही अड्डा है, तो मैं लिखना बंद करके आपको समझा रही हूँ, तो सभी बच्चे समझ लें। क्या नेम दे, इसको आपको नाम लिखना है। ओके, तो फर्स्ट है द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन इन द सोलर सिस्टम। सौर मंडल में सूरज के नज़दीक सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो सूरज के सबसे नज़दीक सौर मंडल में कौन सा ग्रह है, तो उस ग्रह का नाम लिखिएगा। मैं नाम नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट क्लास में मैं आंसर लिख दूंगी, तो बोर्ड पे आप लोग लिख दूंगी, तो नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में मैच करेंगे, है ना। सभी बच्चे नोटबुक में ही लिखे, बुक वाले बच्चे भी नोटबुक ओपन करने के बाद ही लिखिएगा, तो उसे मैच कर लीजिएगा। सेकेंड है नेम द ब्लू प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जो ब्लू प्लैनेट है जिसे हम नीला ग्रह कहते हैं वो कौन सा है, तो उस ग्रह का नाम लिखिएगा। थर्ड है ए ड्रॉप प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सौर मंडल में ड्रॉप प्लैनेट आपने पढ़ा बुक में, जो छोटा ग्रह है बौना ग्रह है वो कौन सा ग्रह का नाम है, तो उस ग्रह का नाम लिख दीजिएगा। ओके, यहाँ पे सिस्टम के बाद लाइन नहीं बची है, तो मैंने नेक्स्ट लाइन में ही खींचा है, तो इसी तरीके से आप ध्यान से लाइन खींचिएगा। मैं वाइट कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन और है उसे भी दे देती हूँ। छः ही रहने दीजिए, तो मैं लिखना बंद करके आपको समझा रही हूँ। तीन मैंने पहले दिया, अब तीन मैंने अभी लिखा, तो सभी बच्चे समझ गए। क्या है द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा ग्रह है, तो उस ग्रह का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद है फाइव नंबर द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल में जो सबसे ब्राइटेस्ट यानी कि चमकीला ग्रह है वो कौन सा ग्रह है, उस ग्रह का नाम लिखिएगा। एंड सिक्स नंबर है द ओनली नोन प्लैनेट टू सपोर्ट लाइफ। हम लोग इसे जानते हैं कि यही एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है, तो ऐसा कौन सा ग्रह है सौर मंडल में जिस पे लाइफ संभव है, जीवन संभव है, तो उस ग्रह का नाम लिख दीजिएगा। ओके, तो ये आपका होमवर्क है जो कि सभी बच्चे बुक में नोटबुक में बना लेंगे, और बुक वाले बच्चे बुक में भी पेज नंबर 94 में जो क्रिएटिव स्किल्स है यानी कि वो जो 8 प्लैनेट है उसे कलर करना है, कलर कर दीजिएगा, कलर दिया हुआ है। ओके, इस तरीके से, और आपको 8 ग्रह दिया है 1 by 1 करके, तो समझ रही है, पहले मरकरी, उसके बाद वेनस, उसके बाद अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून है। इस तरीके से लाइन बाय लाइन आप कलर करते जाइएगा। अब मैं अपने क्लास में यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, एक बार फिर से अपना अटेंडेंस बना लें।
बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा तो सभी बच्चे मेरी तरफ ध्यान देंगे। और अब हम जब क्लास को एंड करते हैं उससे पहले मैं क्या देती हूँ, गुड हैबिट टिप। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप क्या है, जो कि क्या है, गुड हैबिट टिप है, अच्छी आदतें हैं, वो है गो टू स्कूल ऑन टाइम। आपको स्कूल समय पर जाना चाहिए। अभी तो फिलहाल स्कूल बंद है, ठीक ना, लेकिन जब स्कूल ओपन होगी तब की बात कह रही हूँ, और जब स्कूल ओपन रहती है तब की बात है कि हमें हमेशा स्कूल समय पर जाना चाहिए। तो जो बच्चे अगर इस समय को फॉलो नहीं करते हैं तो इस समय को फॉलो क्या कीजिए, चाहे वो आप स्कूल की गाड़ी इस्तेमाल करें, चाहे वो पेरेंट्स के साथ जाएं या पैदल जाएं, हमें समय से पहले ही, मतलब हमें जो स्कूल का समय है, मतलब स्कूल जितने बजे पहुंचना है उससे पहले ही हमें घर से निकलना चाहिए। और हम अपने घर की दूरी के हिसाब से अंदाज़ा कर ही लेते हैं कि हम कितने देर में स्कूल पहुँचेंगे, उतने देर पहले हमें घर से निकल जाना चाहिए और 5-10 मिनट मार्जिन लेके चलना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा, कि हम कहीं पे रुक गए, जैसे कहीं पे गाड़ी ख़राब हो गई, कुछ ऐसा हो गया, तो हमें स्कूल फिर भी लेट ना हो, तो हमेशा इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए। तो क्या है हमारा गुड हैबिट टिप, गो टू स्कूल ऑन टाइम, हमें स्कूल समय पर जाना चाहिए। तो इस गुड हैबिट टिप को आप फॉलो कीजिएगा जब स्कूल ओपन हो जाएगा। उसके बाद होमवर्क क्या है, फिर से रिवाइज कर दूँ होमवर्क को, रिमेंबर बता दूँ, मेक इन नोटबुक एंड बुक, है ना, पेज चैप्टर 13, चैप्टर 13 का नोटबुक में मैंने जो दिया है वो एक्टिविटीज़ ये वाला, और जो बुक में है वो बुक वाले बच्चे बुक में भी बनाएंगे, नोटबुक में बनाएंगे, और जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे सिर्फ नोटबुक में बनाएंगे। और बनाने के बाद आपको समय बचती है तो क्वेश्चन नंबर ई यानी कि लॉन्ग आंसर को अगेन रिमेंबर कर लीजिएगा, ओके। तो ये हमारा होमवर्क था, अब मैं अपने क्लास को यहीं पर स्टॉप करती हूँ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।